सोनाली फोगाट आज पंथत्वत में विलीन हो गई है और उन्हें उनकी बेटी यशोधरा ने मुख्याग्नि दी है। यशोधरा ने मां की अर्थी को कंधा भी दिया और सोनाली का अंतिम संस्कार ऋषिनगर शमशान घाट में किया गया। यशोधरा के साथ उसके चचेरे भाई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की है। इससे पहले सोनाली की पार्थिव देह हिसार मोचरी से उनके ढूंढार फार्म पर लाई गई थी और जहां पर अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गई। खास रिपोर्ट देखिए। उम्र छोटी में कंधे पर जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ, दुनियादारी से ना समझ माँ के शव को मुखाग्नि। 14 साल की बेटी ने माँ की अर्थी को दिया कंधा। सोनाली की बेटी यशोधरा पर मुसीबत का टूटा पहाड़, यशोधरा के सिर से उठा माँ का साया। ये तस्वीरें हृदय विदारक है। इन तस्वीरों में एक बेटी अपनी माँ को मुखाग्नि दे रही है। 14 साल की यशोधरा को बेशक दुनियादारी की समझ नहीं, लेकिन इस छोटी उम्र में उसे उस दर्द से गुजरना पड़ा जिसके बारे में सोचकर भी किसी की रूह कांप जाए। माँ की मौत के बाद दुख का पहाड़ तो पूरे परिवार पर टूटा है, लेकिन बेटी यशोधरा तो इससे टूट सी गई है। वो बेसुध है, बेबस है, लाचार सी नजर आ रही है। डबडबाती आंखें उसके दर्द की, तकलीफ की तस्दीक कर रही है, तो मुरझाया चेहरा उस गम की गवाही दे रहा है जिससे वो गुजर रही है। सोनाली फोगाट की इकलौती बेटी यशोधरा ने न आंखों से अपनी माँ को आखिरी विदाई दी तो वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें भर आई। यशोधरा की आंखों में माँ की मौत के बाद से ही आंसुओं के सैलाब ने कब्जा जमा रखा है। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। वक्त की मार ऐसी पड़ी, मुसीबतों का पहाड़ ऐसा टूटा कि एक ही दिन में परिवार से लेकर इस मासूम की खुशियाँ दम तोड़ गई। माँ की अर्थी को कंधा देकर अंतिम विदाई के लिए ले जाते समय यशोधरा का दर्द आंसुओं का सैलाब बनकर बार बार छलका, तो उस वक्त वहाँ मौजूद हर किसी के लिए ये वक्त थम गया। एक बेटी के सिर से उसकी माँ का साया उठ जाने के दर्द का केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है। हरियाणा की बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का आज हिसार में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके फार्म हाउस से लेकर शमशान घाट तक लोगों का हुजूम रहा। इधर सोनाली की बेटी ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर मुखाग्नि दी। उधर लोग सोनाली अमर रहे और सोनाली के कातिलों को फांसी हो के नारे लगाते रहे। बीजेपी के झंडे में लिपटी सोनाली फोगाट को श्रद्धांजलि देने हजारों लोग पहुंचे, जिसमें हरियाणा के बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई भी शामिल रहे।